welcome dear children so today's our topic is prefix and suffix so first let us uh, see towards what is prefix a prefix is a letter or a group of letters that's added to the beginning of a word to change its meaning so beta it's very simple a prefix can be it can be a single letter or it can be more than one letter when the single letter or more than one letter is added to a word before the word बात समझ में आई वेन अ लेटर इज एडिड और लेटर्स आर एडिड टू ए वर्ड इन फ्रंट ऑफ इट इसके पहले ओके सो एज टू चेंज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड दैट इज कॉल्ड एज प्रिफिक्स फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लेट इज टेक अ वर्ड डे ओके वी टूक के वर्ड डे सो बेटा नाउ वट इज प्रिफिक्स फॉर एग्जाम्पल इफ आई एड मिड टू इट एम आई डी मेड ओके सो दिस बिकेम मिड डे राइट सो दिस इज प्रिफिक्स मिड ओके एन अदर एन अदर एग्जाम्पल आई विल से सपोज दिस इज़ अ वर्ड एन अदर वर्ड मैस्टर ओके ना वाट इज प्रिफिक्स आई एड पोस्ट टू इट पी ओ एस टी पोस्ट सो दिस बिकम इज पोस्ट मैस्टर ओके सो मीनिंग चेंज सो दिस पोस्ट इज़ प्रिफिक्स जो हम पहले ऐड करेंगे अगर मिसाल के तौर पर कोई वर्ड होगा तो इसको पहले जो लगाएंगे हम चाहे एक लेटर लगाएंगे या एक से ज़्यादा लेटर लगाएंगे ताकि ये पूरा वर्ड बने और नया वर्ड बने और नई मीनिंग दे दैट्स कॉल्ड एज प्रेफिक्स करेक्ट ओके अच्छा फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से दैट सपोज अनदर एग्जाम्पल लेट मी टेक सपोज आई टेक एज क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स ओके and this is a word. Now I have to add a prefix that's I add anti. Okay, this this is anti. This is prefix. Okay, and this becomes the new word. Okay, now let us see what's the suffix. Okay. Now here we have suffix. A suffix is a letter or a group of letters. That's added at the end of a word. टू चेंज इट इज़ मीनिंग तो बेटा सफिक्स कोई एक लेटर है जो कि हम किसी वर्ड के लास्ट में डालते हैं या लेटर्स होते हैं जो कि हम किसी वर्ड के लास्ट में डालते हैं और ये वर्ड जो है ये अब नया वर्ड बन जाता है और इसकी नई मीनिंग हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल एक्सप्ल यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल लेट मी टेक अ वर्ड दैट्स टीच ओके ये है टीच दिस अ वर्ड एंड आई एड टू इट ई आर so er is the suffix okay because this is added at the end of the word teach okay now er is suffix to so, तो बेटा जो चाहे एक ho हो या एक से ज़्यादा ho हों जो हम कोई ke के mein में डालते हैं ओके okay? तो और नया वो वर्ड फिर जो वर्ड उसका मीनिंग होता है वो suffix डालने से नया वर्ड बन जाता है नई मीनिंग हो जाती है that's called as एज सुफिक्स ओके another example I आई विल टेल यू दैट फॉर एग्जाम्पल लेट मी हैव फ्रेंड ओके सो ये एक वर्ड है फ्रेंड अगर मैं लिखूँ ऐसे फ्रेंडशिप ओके फ्रेंड शिप ओके तो पहले था फ्रेंड जो मेरे वर्ड लिखा था उसके बाद मैंने इसको एड कर दिया एंड में शिप ओके सो दिस शिप इज वाट इज दिस दिस इज सुफिक्स तो बेटा इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ दोनों में जो है अब आपको समझ में आ गया प्रिफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है यानी कि जो हम पहले लगाते हैं वो होता है किसी वर्ड के पहले लगाते हैं कोई नया लेटर या कोई नए दो लेटर या तीन लेटर और वो नया वर्ड बन जाता है उसको कहते हैं प्रिफिक्स सोफिक्स में कोई वर्ड होता है एंड उस वर्ड के एंड में कोई एक लेटर या एक से ज़्यादा लेटर लगाते हैं और वो वर्ड नया बन जाता है और नई मीनिंग देता है उसको कहते हैं सोफिक्स फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने कहा कि सपोज़ अगर है करप्शन है वर्ड मैं लिखता हूँ यहाँ पे करप्शन ओके okay? तो अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे एंटी ए एन टी आई एंटी करप्शन तो बन गया ना नया ओके okay? अच्छा अब है सफिक्स सफिक्स में हम करेंगे काम सपोज सपोज़ दिस इज़ जैसा कि मैंने लिख लिखूँगा यहाँ पे सपोज सी एच आई एल डी चाइल्ड हो गया वर्ड तो इसका सोफिक्स इसको सफिक्स डालना है तो हम लगा सकते हैं हुड बन गया नया नया वर्ड बन गया चाइल्ड मीनज बच्चा ओके चाइल्ड हुड मीनस बच तो ये नया वर्ड बन गया सो so ये जो है दिस इज सोफिक्स जो हम लास्ट में डाले तो ये एंटी जो करप्शन को डाले दिस इज प्रिफिक्स यानी कि वर्ड के पहले जब हम डालते हैं तो वर्ड का मीनिंग चेंज होता है तो जो पहले डालते हैं उसको कहते हैं प्रिफिक्स और वर्ड के एंड में जो डालते हैं चाहे एक लेटर हो या एक से ज़्यादा लेटर्स हो उसके मीनिंग चेंज हो उसको कहते हैं सोफिक्स होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस नाउ देयर आर सम एक्सरसाइज यू कैन डू देम यूर सेल्फ now students uh, we move to another topic that's the here we are given the eight parts of speech we which we have to discuss so beta of first of all is noun then is verb then is adjective then is adverb then it is pronoun preposition conjunction interjection okay there is another that is determiner ninth one that is not given here however that can be read separately in the articles okay so first of all here we are given these eight so first of all let us discuss them okay

या ये किसी भी आइडिया को सजेस्ट करता है या कोई आइडिया भी जो होता है उसको हम नाउन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इकबाल इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन श्रीनगर दिस इज अ प्लेस बोर्ड दिस इज अ थिंग ओके एंड अनदर वन इज ऑनस्टी दिस इज एन फीलिंग दिस इज एन आइडिया ओके अबाउट समबडी सो दिस इज़ आल्सो नाउन नाउ वी हैव सर्टन टाइप्स ऑफ आई होप आपको ना उन क्लियर हो गया होगा आई रिपीट नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस आर अ थिंग आर इट सजस्टस एनी आइडिया ओके अच्छा ना इट हैज डिफरेंट टाइप्स ओके इट हैज डिफरेंट टाइप्स फॉर एग्जाम्पल नंबर वन इज प्रॉपर ना नंबर सेकेंड इज कॉमन ना नंबर थर्ड इज मटीरियल ना एंड नंबर फोर इज अब्सट्रैक्ट ना सो फर्स्ट ऑफ आल लैम इ डिसस अबाउट प्रॉपर नाउन सो वाट इज प्रॉपर नाउन ओके प्रॉपर नाउन इट इज़ द नेम ऑफ दोज विच आर प्रॉपर खास ओके खास नाम जो होते हैं और कामन नाउन जो है ये भी नाउन है लेकिन कामन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोनों को करूँगा और आपको समझ में आए फॉर एग्जाम्पल कामन नाउन में आएगा बॉय बॉय मीनज लड़का ये है नाउन बट दिस इज कामन नाउन यहाँ पे लिखूंगा मैं आबिद आबिद क्या है आबिद भी तो बॉय है बट ये कोई खास है बात समझ में आई ये कोई खास है आबिद समझ में आई अच्छा चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन नाउन में आ सकता है आई से सपोज फॉरेस्ट फॉरेस्ट इज़ अ कॉमन नाउन कोई सा भी जंगल बट आई राइट हियर सुंदर बनी फॉरेस्ट सुंदर बनी फॉरेस्ट तो ये कोई खास फॉरेस्ट हो गया ये हो गया प्रॉपर नाउन बात समझ में आई इफ आई राइट हियर इन कॉमन नाउन आई राइट गर्ल एंड अबो आई राइट सपोज फॉर एक्जाम्पल प्रॉपर नाउन मैं लिख सकता हूँ मैं आयशा शाह दैट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन गर्ल इज़ अ नाउन बट इट इज़ अ कॉमन नाउन ओके होप यू टू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ वी हैव मटीरियल नाउन मेटीरियल नाउन इज़ दैट वेरी नाउन विच इज़ द नेम ऑफ मटीरियल्स वायर मटीरियल्स कम जहाँ पे मटीरियल्स की बात आएगी फॉर एग्ज़ाम्पल वुड ओके आयरन ओके तो ये चीज़ें जो है या स्टील दिज आ दिस इज आल्सो नाउन बट दिस इज मटेरियल नाउन जो किसी मटेरियल को सजेस्ट करे बात समझ में आई अनदर इज अबस्ट्रैक्ट नाउन इट इज़ दैट वेरी नाउन ओके विच रिप्रेजेंट्स द थिंग्स ओके विच रिप्रजेंट थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच बट ओनली फील जिन अच्छा अबस्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें आती हैं ओके okay? उन चीज़ों को रिप्रजेंट करता है जो हम देख नहीं सकते आ वी कैन नॉट टच बट वी कैन ओनली फील फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी तो बेटा देयर इज़ अ प परसन होम माई गेव वन हंड्रड रुपी नोट जिसको मैंने दिया एक सौ रुपए का नोट एंड ही टोल्ड मी दैट आई विल गिव यू आफ्टर फाइव डेज आफ्टर फाइव डेज ही कम्ज एंड गिवज मी द सेम हंड्रड गिवज़ मी दंडरड रुपी नोट सो आई विल टैल यू बेटा दैट मैन ही इज़ अ ऑनेस्ट पर्सन बिकॉज ही फुलफिलड द प्रामिस तो ऑनेस्टी किस तरह से ऑनेस्ट कहाँ है वो वो तो मैं टच नहीं कर सकता ना ऑनेस्टी की बट मैं फील कर सकता हूँ बिकज़ ही रिपेड मी दैट वेरी थिंग फॉर विच ही हैड प्रामिज अच्छा सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल बिटरनेस खटास ओके अच्छा तो दिस टॉफी इज़ बिटर ये टॉफी इसमें खटास है इसमें ये खट्टी है तो ये खटास क्या होती है या मिठास क्या होती है ओके okay? ये हम देख नहीं सकते वी कांट फील वी कांट सी वी कांट टच डैट बट वी कैन ऑनली फील सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज एब्सट्रैक्ट नाउंस Those things which we cannot see, which we cannot touch, but only we can feel. Okay.